हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। सिकल सेल एनीमिया एक वंशानुगत रोग है जिसे हम हेरिडिटरी डिजीज कहते हैं। यह हमारे ब्लड में आरबीसी रेड ब्लड सेल को प्रभावित करती है। यह आरबीसी का एक डिसऑर्डर है। वैसे तो बहुत ही आम है, लेकिन आम होने के साथ एक गंभीर बीमारी है, सीवियर बीमारी है। इस बीमारी को हम सिकल सेल डिजीज कहते हैं। इस बीमारी को समझने के लिए पहले हमें आरबीसी को समझना होगा, वह कार्य कैसे करती है, कहाँ पे उसको बनाया जाता है। तो हमारे शरीर को जीवित रहने के लिए हमारे शरीर में उत्तकों पर ऑक्सीजन की आपूर्ति जरूरी है, और यह जो रेड ब्लड सेल है हमारे उत्तकों में ऑक्सीजन की आपूर्ति करती है। यह रेड ब्लड सेल हमारी हड्डियों के केंद्र में बनती है, जिसे हम अस्थि मज्जा कहते हैं। वहाँ अपरिपक्व कोशिकाएँ, जिसे हम ब्लड स्टेम सेल कहते हैं, वे आरबीसी के साथ कई अलग ब्लड सेल को बनाने के लिए अलग अलग रूप में विभाजित होती है। सामान्यतः आरबीसी डिस्क शेप में होती है, और उनमें से प्रत्येक में एक प्रोटीन अणु होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, और यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करने का कार्य करता है। और यह आपने जरूर से सुना होगा कि हीमोग्लोबिन अगर शरीर में कम है तो शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं होगी। यह आरबीसी ब्लड के साथ में हमारे फेफड़ों में जाती है, और वहाँ पर जाके ऑक्सीजन लेती है। फेफड़ों में एक हवा की थैली होती है जिसे हम एल्वियोले कहते हैं। ब्लड की सहायता से आरबीसी एल्वियोले तक पहुँचती है, और वहाँ से ऑक्सीजन अपने हीमोग्लोबिन प्रोटीन पर रख लेती है, और उसके बाद में जैसे जैसे पूरी बॉडी में ब्लड चलता है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई देती है। इवन मस्तिष्क तथा हार्ट में भी ये ऑक्सीजन की सप्लाई देती है। लेकिन जब व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया नाम की डिजीज़ हो जाती है, हीमोग्लोबिन की समस्या हो जाती है, तो उस समय आरबीसी का जो शेप है वो गोल नहीं रहता है, वो दोषपूर्ण जीन के कारण चेंज हो जाता है। और ये जो जीन्स है बच्चे में माता पिता के कारण आते हैं, माता पिता का जो डीएनए है उसके कारण आते हैं। यहाँ पर डीएनए को थोड़ा सा समझ लेते हैं, वैसे तो थोड़ा डीप हो रहा है, लेकिन अगर इसको नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। डीएनए को दो वर्गों में बांटा है, जिसमें अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन नाम के दो जीन हैं। जब व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया की समस्या हो जाती है, जो बीटा ग्लोबिन जीन है यह बदल जाता है। यह परिवर्तित होने के कारण असामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, जिसे कि हीमोग्लोबिन एस कहा जाता है। और यह हीमोग्लोबिन एस आपके रेड ब्लड सेल के अंदर कठोर किस्म में बदल जाता है, लचीला नहीं होता है। वैसे तो लचीला तथा गोल होता है, लेकिन यह उस समय हार्ड हो जाता है, जिससे कि जो आरबीसी है यह आकार चेंज कर लेती है, और सिकल कोशिकाएं रक्त को अवरुद्ध करने का कार्य करती है, जिससे कि व्यक्ति में दर्द होना, टिश्यूज में डैमेज होना एक प्रमुख समस्या देखी गई है। वैसे तो आरबीसी 90 से 120 दिन तक जीवित रहती है, लेकिन जब सिकल डिजीज व्यक्ति को हो जाती है तो केवल 10 से 20 दिनों तक ही इसका लाइफ स्पान होता है। इसके बाद में यह मर जाती है, जिस कारण से शरीर में आरबीसी की कमी होने लगती है, और इसे हम सामान्य भाषा में खून की कमी कहते हैं, और साइंस में इसे एनीमिया कहा जाता है। इसी कारण से इस बीमारी का नाम सिकल सेल एनीमिया है। सिकल सेल एनीमिया के अगर लक्षणों की बात करें तो यह लक्षण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसमें आपके शरीर में दर्द होना बहुत ही ज़्यादा देखा गया है। यह दर्द आपके हाथ, पांव, पीठ के पिछले नीचे के हिस्से में, पेट में हो सकता है। अगर यह दर्द होता है तो सिकल सेल एनीमिया के चांसेस है। इसके अलावा आँखों तथा त्वचा में जो सफ़ेद भाग है वह पीला हो जाएगा, जिसे हम सामान्य भाषा में पीलिया भी कहते हैं। यह भी सिकल सेल एनीमिया के कारण है। और एनीमिया के कारण व्यक्ति में थकान महसूस होना यह होता है, और समय के साथ साथ सिकल सेल एनीमिया गंभीर रूप से डेवलप हो जाती है, जिससे कि दर्द जैसी जटिलताओं को जन्म देता है। और आपकी आँखों, हृदय, फेफड़े, यकृत, गुर्दे और जोड़ों से जुड़े हुए नुकसान पहुँचाता है, वहाँ पर बहुत ही तेज़ दर्द करता है। साथ ही आपकी जो तिल्ली है इसे भी नुकसान पहुँचाता है, जो हमारे शरीर में WBC का निर्माण करता है, जो वाइट ब्लड सेल है जो हमारे शरीर को संक्रमण से दूर रखती है उसका निर्माण करता है, उस तिल्ली को भी ये डैमेज कर देता है। इस तरह से ये जो सिकल सेल एनीमिया है व्यक्ति के शरीर को खोखला कर देती है। बहुत ही गंभीर बीमारी है, ज़्यादातर व्यक्तियों में देखी गई है। इसका मुख्य कारण जिसको हमने जाना था वह है वंशानुगत। अगर इस बीमारी से आप पीड़ित हैं, या किसी भी प्रकार के जो लक्षणों के बारे में इस वीडियो में हमने बात की वो आप में दिखाई दे, तो तुरंत ही अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिले, जिससे कि शुरुआती स्टेज में इसको ठीक किया जा सके, इसके लिए आपको ट्रीटमेंट दिया जा सके। तो दोस्तों, यह थी पूरी डिटेल सिकल सेल एनीमिया के बारे में, जिसके लिए मुझे आपने कई बार डिमांड की थी। उम्मीद करता हूँ पूरी अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। हालांकि इस वीडियो में थोड़ी ज़्यादा डिटेल में ही आपको बताया है, वो इस कारण से कि आपको आसानी से समझ में आ सके। क्या यह डिटेलिंग आपको बोरिंग लगी या आपको अच्छी तरह से समझ में आया,
मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता, जिससे कि मुझे आगे की वीडियो में सहायता मिल सके आपके लिए किस तरह का वीडियो बनाना है। तो दोस्तों, वीडियो को यही खत्म करता हूँ, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।